हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे सेशन इज़ द आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। सो देखिए, आउटपुट डिवाइसेस की जो डेफिनेशन है, जो इसके फर्दर टाइप्स हैं, सारों को हम डिस्कस करेंगे, जो जनरल वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल वाले डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतने ही सफिशेंट हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो देखिए, आउटपुट डिवाइस, प्रीवियस सेशन में हमने इनपुट डिवाइस डिस्कस किया था। इनपुट यानी कि जो हम डेटा कंप्यूटर को देना चाहते हैं, किस तरह वो लेगा, क्या डिवाइसेस वो यूज़ कर सकता है हमसे इनपुट लेने के लिए, हमसे इनपुट फीड करने के लिए। उसके बाद हम सीपीयू कर चुके हैं कि वो प्रोसेसिंग किस तरह से चलती है, उसके अंदर कैसे कैलकुलेट करता है वो, और किधर को हमारा डेटा उसने भेजना है आउटपुट के लिए, वो डिसाइड कर लेता है सीपीयू। देन फाइनली इज़ द आउटपुट डिवाइस, जहाँ से हमें आउटपुट मिलती है, जो हमें डिज़ायर्ड या फिर रिक्वायर्ड आउटपुट हमें चाहिए। सो आउटपुट डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट रिट्रीव्स एंड प्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ द इंसर्टेड इनपुट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर ट्रांसलेट्स दैट डेटा इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब देखो, हर सेशन में मैं एक चीज़ बार बार बोलती हूँ कि कंप्यूटर को दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, एक ज़ीरो और वन। हर चीज़ जो अपने आप में वो फीड करता है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन में फीड करता है। ठीक है जी। सो रिज़ल्ट जो हमें चाहिए वो तो हमें अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चाहिए, तो आउटपुट डिवाइस उसको कन्वर्ट भी करता है। द आउटपुट और रिजल्ट इज़ देन प्रेजेंटेड टू अस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, विजुअल्स, ऑडियो, हार्ड कॉपी, या जो भी हमें आउटपुट चाहिए। देन आउटपुट डिवाइसेस कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। क्या कैटेगरीज हैं? विजुअल है, डेटा है, प्रिंट है या साउंड है। इन कैटेगरीज में हम आउटपुट को डिवाइड कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग वेरियस जो है आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। सो सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर जो हम देख सकते हैं, लाइक मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, GPS, प्लॉटर, ब्रेल एम्बॉसर, ठीक है, हैप्टिक डिवाइसेस है, 3D प्रिंटर। प्रिंटर तो फिर प्रिंटर की एग्जांपल आ गई ना, कितने मर्जी प्रिंटर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेज़र प्रिंटर्स, इन जेट प्रिंटर्स, बहुत सारे प्रिंटर्स हैं, फ्लैट बेड प्रिंटर्स एंड सो ऑन, उसकी कोई अंत नहीं है। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जो बेसिक हमारा आउटपुट डिवाइस है, दैट इज़ द मॉनिटर। द मोस्ट जनरल एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। जो भी हम काम करते हैं, हम स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आपको VDU पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मत सोचना कि VDU क्या आ गया, दिस इज़ अ मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एंड द मेजर फंक्शन ऑफ मॉनिटर इज टू डिस्प्ले द प्रोसेस्ड डेटा लाइक इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो एट्सेट्रा। ठीक है, ये चार तरह की चीज़ें ये हमें शो कर सकता है। अ मॉनिटर अरेंजेस द माइक्रोस्कोपिक डॉट्स नोन एज पिक्सल्स इन अ रेक्टेंगुलर पैटर्न टू मेक इमेजेस। ठीक है, फिर पिक्सल्स के साथ काम होता है सारा, शार्पनेस उसकी सेट होती है, ये मॉनिटर है। देन मॉनिटर जो है, फर्दर हम दो तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है कैथोड रे ट्यूब्स एंड सेकेंड इज फ्लैट पैनल डिस्प्लेस। ठीक है, CRT इसको बोलते हैं, CRT एंड FPD, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। सो कैथोड रे ट्यूब क्या है? दिस मॉनिटर्स यूज कैथोड रे ट्यूब्स दैट हेल्प टू प्रोड्यूस इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल्स ऑन द स्क्रीन। शॉर्ट में अगर हम बोले तो CRT क्या करता है, जनरेट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गन दैट स्ट्राइक द इनर सर्फेस ऑफ फॉस्फोरसेंट ऑफ द स्क्रीन टू जनरेट इमेजेस। ठीक है, वो क्या है, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है CRT, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं स्क्रीन को, वहाँ पर इमेज बन जाती है। इट होल्ड्स मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स इन थ्री डिफरेंट कलर, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब इसी के बेसिस पर जो है इसकी शार्पनेस डिपेंड करती है, द शार्पनेस एंड क्वालिटी ऑफ द पिक्चर डिपेंड ऑन नंबर एंड साइज ऑफ दीज पिक्सल्स। हम बोलते हैं ना, पिक्सल इसके इंक्रीज करके देख लो, पिक्सल्स फट रहे हैं स्क्रीन के, तो वो क्या है, पिक्सल्स यही तो होते हैं शार्पनेस, और कितना ज़्यादा क्लियर कंटेंट हमें मिल रहा है। नो, नेक्स्ट इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूजेज लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी और प्लाज्मा टू जनरेट आउटपुट। ऐसे डिवाइसेस में क्या किया जाता है, लाइट को पास किया जाता है थ्रू लिक्विड क्रिस्टल्स पिक्सल बनाने के लिए। FPD हैव लेसर वॉल्यूम, वेट एंड पावर कंजम्पशन देन CRT। अब CRT की क्वालिटी भी नेचुरली उतनी होगी फिर, जितनी उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक कैलकुलेटर्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, मॉनिटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, ग्राफिकल डिस्प्लेज, फ्लैट पैनल डिस्प्ले की एग्जांपल हैं। देन थर्ड इज़ द प्लाज्मा मॉनिटर। एक प्लाज्मा मॉनिटर भी होता है और ऑल्सो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज बट यूज़ प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। यानी कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले में एक तो होता है जो लाइट को यूज़ करते हैं, सेकेंड होते हैं जो प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। ठीक है, इन अ प्लाज्मा मॉनिटर स्मॉल सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू ग्लास पैनल्स। तो इनमें एक सॉल्यूशन होता है ऑफ नोबल गैसेस एंड मर्क्यूरी, सो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन द गैस प्रेजेंट इन द सेल कन्वर्ट्स प्लाज्मा एंड प्रोड्यूसेस यूवी लाइट दैट क्रिएट्स एन इमेज। उसमें सिंपल लाइट थी, इसमें यूवी लाइट का यूज़ किया जाता है। पहले प्लाज्मा है, ठीक है, सेल्स होते हैं इसमें, फिर यूवी लाइट जो है फाइनली इमेज क्रिएट करती है। ये एलसीडी मॉनिटर से ज़्यादा बेटर है। द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इज़ अप टू 1920x1920, बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन है, पूरा का पूरा HD व्यू नज़र आएगा इसमें। इट हैज़ अ गुड कंट्रास्ट रेशियो, अ हाई फ्रेश रेट एट्सेट्रा। देन कम्स द प्रिंटर। अब प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, कोई चीज़ हमको प्रिंट करनी है हमें वो आउटपुट निकाल के देता है ना, सो प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस ऑपरेटिंग बाय प्रोड्यूसिंग अ कॉपी, टिपिकली अ हार्ड कॉपी और जीरोक्स कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय कंप्यूटर। चाहे तो हम प्रिंट करवाने चले जाते हैं ना, वो स्कैन करता है और एक हार्ड कॉपी निकाल के दे देता है, या फिर हम बोलते हैं कि ये हमारी पेन ड्राइव ले लो, इसमें ये हमारा फॉर्म पड़ा है, इसका प्रिंट निकाल के दे दो। तो ऑनलाइन जो चीज़ पड़ी है या फिर सॉफ्ट कॉपी में है उसका भी प्रिंट निकाल के दे देता है। ठीक है, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब देखो, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, पहले तो ये देख लो, प्रिंटर वैसे तो देखते ही हैं हम सभी, रेगुलर यूज़ होता है इन चीज़ों का। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या हैं। फर्स्टली द कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन द रिबन विच इज़ देन स्मैश्ड ऑन द पेपर। पहले एक रिबन होता है, उस पर कैरेक्टर्स प्रिंट किए जाते हैं, फिर वो पेपर के ऊपर उसका इम्प्रिंट आता है। वी कैन से दैट इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट मतलब अपनी छाप पहले छोड़ना, यूज इज अ प्रिंट हैड और हैमर टू प्रिंट द डेटा ऑन द पेपर। द हैमर और प्रिंट हेड स्ट्राइक्स एन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर एंड द कैरेक्टर स्टार्ट्स प्रिंटिंग द पेपर। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, देखो ये फर्दर प्रिंटर्स होते हैं, इनके अपने अपने स्पेशलिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स। अब इतना हाई लेवल का नहीं है आपको, ठीक है, वरना तो ये सारे के सारे पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चले जाएंगे। वरना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये चारों के चारों किसकी एग्जाम्पल्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की। उसके बाद है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये नहीं यूज़ करते हैं हैमर या फिर प्रिंट हेड इंक रिबन के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, ये प्रिंट करते हैं कैरेक्टर्स को विदाउट यूजिंग रिबन्स। ठीक है, दे आर ऑफन नोन एज पेज प्रिंटर्स बिकॉज दे प्रिंट वन फुल पेज एट अ टाइम। अब देखो क्या डिफरेंस है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पूरा का पूरा पेज ही छाप देता है एक बार में। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र आपने देखा नहीं, जैसे प्रिंट हम आजकल करने जाते हैं जनरली लेज़र प्रिंटर्स ही सभी के पास होते हैं, तो वो एक लाइट सी जाती है प्रिंटिंग स्क्रीन के नीचे से, है ना, तो वो क्या है, लेज़र है। या फिर इंक जेट प्रिंटर क्या है, इसी की फर्दर टाइप है। नेक्स्ट कम्स द प्रोजेक्टर। अब जो स्मार्ट क्लासेस में टीच होता है प्रोजेक्टर के थ्रू टीच होता है ना, प्रोजेक्टर से बड़ी जो स्क्रीन बन जाती है, तो कितना बड़ा सेमिनार टीचर अरेंज कर रहा है या फिर ज़्यादा क्राउडेड क्लास है, तो प्रोजेक्टर से बहुत अच्छे से टीच किया जाता है। जो चीज़ कंप्यूटर में है हम वो सिलेक्ट कर देते हैं, कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर को अटैच कर देते हैं, किसी वॉल पे वाइट शीट लगती है प्रोजेक्टर के लिए या फिर वाइट वॉल ही होती है, उस पर वो इमेज बन जाती है, ठीक है, प्रोजेक्ट हो जाती है वो इमेज। द कंप्यूटर फर्स्ट सेंड्स द सिग्नल टू वीडियो कार्ड विच देन ट्रांसमिट द सिग्नल टू प्रोजेक्टर टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑन द सर्फेस। चाहे वो वाइट शीट लगी है या फिर वाइट पेंट ही हुआ पड़ा दीवार पर, उस पर भी प्रोजेक्ट कर देते हैं, या फिर वाइट बोर्ड है, एंड सो ऑन। प्रोजेक्टर्स मैग्नीफाई टेक्स्ट, फोटोज एंड मूवीज यूजिंग लाइट एंड लेंजेज। एज अ रिजल्ट इट्स एन एक्सीलेंट आउटपुट डिवाइस फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन और टीचिंग बिग ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो मैंने आपको बात कही, क्राउडेड क्लास है या फिर इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को पढ़ाने के लिए जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनके लिए प्रोजेक्टर्स बहुत हेल्पफुल हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दे आर लाइट वेट एंड कैन बी इजिली कनेक्टेड एंड हंग ऑन द वॉल, दीवार पर टांगे जा सकते हैं। दे कैन बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर लार्ज स्क्रीन वीडियो इन योर होम। जैसे हम होम थिएटर क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो प्रोजेक्टर ले आओ और सामने बस स्क्रीन पे उसकी इमेज डालो, अपने मूवीज़ की वीडियोस देखो, है ना, कोई फंक्शन करवाया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देखो, कोई मूवी थिएटर में जाने की बजाय अपने घर पे ही लगा के देख लो,
एंड सो ऑन. देन अ स्मॉल प्रोजेक्टर माउंटेड ऑन अ बैक शेल्फ और बुक केस और माउंटेड ऑन द सीलिंग टेक्स अप नो एरिया ऑन द फ्लोर. इट इज़ बेयरली विजिबल वेन इट इज़ नॉट इन यूज़. तो ऐसे नहीं है कि हमको उसको उतार के रखना पड़ेगा या फिर हमारी कोई स्पेस ऑक्यूपाई की है, क्योंकि बिल्कुल रूफ से उसको हंग करते हैं हम, ठीक है, लटका देते हैं ताकि सामने स्क्रीन पर उसकी प्रोजेक्शन बन पाए. सो दिस इज़ द प्रोजेक्टर. नेक्स्ट इज़ द स्पीकर्स. अब सॉन्ग सुनने किसको पसंद नहीं है, ठीक है, तो अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो ऑडियो तो चाहिए, तो स्पीकर्स तो चाहिए. सो दैट इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. फॉर द वर्किंग ऑफ स्पीकर साउंड कार्ड सेंड सिग्नल्स टू द स्पीकर्स विच आर कन्वर्टेड इनटू ऑडियो. अब स्पीकर में क्या है, वो बूफर्स लगे होते हैं जिससे थोड़ी और धमक प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है. दी स्पीकर्स यूज़ इंटरनल एम्पलीफायर्स विच वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम और एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड. देखो वॉल्यूम अलग चीज़ है, एम्पलीट्यूड अलग चीज़ है. बीट्स होती हैं, धमक होती है ना, वो भी स्पीकर में ही सेट हो जाती हैं. देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्पीकर्स के. स्पीकर्स आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज एंड प्राइसेस. स्मॉल प्लास्टिक कंप्यूटर स्पीकर्स विद लो साउंड क्वालिटी आर ऑफन इंक्लूडेड विद कंप्यूटर सिस्टम. अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर लेने जाते हैं ना, तो कुछ हल्के फुल्के से जो स्पीकर्स होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, ठीक ठाक क्वालिटी के होते हैं, वो उसके साथ ही दे देते हैं. दे कम इन ए वैरायटी ऑफ साइजेस सो कैन आल्सो बी इजिली कैरिड अराउंड. नेक्स्ट हमारे पास है इसमें हेडफोन्स. अब हेडफोन्स होते हैं ताकि जो भी बातचीत चल रही है किसी और को सुनाई ना दे, बस हम ही सुन ले, है ना, जैसे चैटिंग वगैरह बच्चों की चलती है अक्सर. सो हेडफोन्स आर द आउटपुट डिवाइसेस दैट हेल्प अस लिसन टू द ऑडियो कमिंग आउट ऑफ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स. बाहर की जो आवाज़ है वो कट हो जाती है. लाइक एग्जाम्पल बॉश के हेडफोन्स है ना, जो बहुत बेस्ट हैं, इवन आई यूज़ देम, तो बाहर की बिल्कुल साउंड कट हो जाती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती आपको, सिर्फ जो आप चीज़ देख रहे हो उसी की पूरी साउंड, पूरी धमक आपको फील होती है. दीज कम इन वेरियस साइजेज एंड ब्रांड्स एंड कैन बी कनेक्टेड विद कंप्यूटर सिस्टम्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेसली. तो वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं बस ऑटोमेटिकली. देन कंप्यूटर्स जनरेट साउंड और ऑडियो एज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच वी परसीव थ्रू हेडफोन्स. तो सिग्नल्स सेंड होते हैं जो हम हेडफोन के थ्रू उसको रिसीव कर लेते हैं. द हेडफोन्स कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वी कैन देन लिसन टू सॉन्ग्स और ऑडियो ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स. हेडफोन्स क्या है, लाइट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर स्पीकर्स की तरह नहीं होते, बस एक वायर से अटैच करो और ये हम इसमें से साउंड सुन सकते हैं. लेकिन एक ही चीज़ है कि स्पीकर में से जो जितने लोग बैठे हैं वो सारे सुन सकते हैं, हेडफोन में से सिर्फ एक ही बंदा सुन सकता है जिसने उसको वियर किया हुआ है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको स्टीरियो फोन्स भी कहते हैं या फिर हेडसेट्स भी कहते हैं. द इन ईयर वेरियंट्स ऑफ हेडफोन्स आर ऑल्सो नोन एज ईयरफोन्स और ईयरबड्स. ठीक है, ईयरफोन्स ही लिख देना, ईयरबड्स तो कुछ और ही समझ लेंगे. द वर्ड हेडसेट डिनोट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेडफोन्स एंड अ माइक्रोफोन यूज फॉर टू वे कम्युनिकेशन. जैसे कि टेलीकास्ट में होता है या फिर वो जो फोन कॉल्स करते हैं, बात करते हैं अलग अलग जगह पे, है ना, सुनना भी होता है और बोलना भी होता है, तो साथ में सभी की चेयर साथ साथ में होती है ना, तो डिस्टर्बेंस नहीं होती. हेडफोन्स पहने हुए हैं और माइक्रोफोन है तो दूसरे बंदे की आवाज़ नहीं जाती, इसलिए ये कॉम्बिनेशन होता है हेडसेट, हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन का. ठीक है जी, ये क्लियर हुआ. इसके बाद है हमारे पास प्लॉटर. अब देखो एक तो होता है प्रिंटर, एक होता है प्लॉटर, इनमें डिफरेंस भी आपको आ सकता है. प्रिंटर तो होता है जो जनरली हम प्रिंट करते हैं, छोटे छोटे हमारे A4 साइज पेज है या फिर A3 शीट मैक्सिमम तक. लेकिन अगर बड़े पेज को प्रिंट कराना है, जैसे बैनर्स प्रिंट करवाने होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, तो उसके लिए प्लॉटर होता है. ठीक है, प्रिंटर वो छोटा सा प्रिंटर इतना बड़ा शीट को प्रिंट नहीं कर सकता, वो प्लॉटर्स होते हैं. करना इसने भी प्रिंटिंग का काम ही है, लेकिन बड़े पेजेस पर या फिर जो प्लास्टिक के वो शीट्स होती हैं, है ना, उस पर प्रिंट करवाने के लिए प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स ऑन लार्ज फॉर्मेट इमेजेस. ठीक है, दे आर कॉमनली यूज इन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन एंड अदर इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर एक्यूरेट एंड डिटेल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जिनको डिटेल्ड चाहिए, जैसे कोई आर्किटेक्ट है, बड़े पेजेस पर डिज़ाइन बनते हैं ना, पूरी की पूरी दीवार कितने इंच है, फिर ईंट कितनी लगेगी, यहाँ पर कितना दरवाजे के लिए जगह छोड़ी हुई है, पूरा का पूरा डिटेल्ड पोर्शन होता है वहाँ पे. टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स क्या हैं, पेन प्लॉटर्स हैं ये सबसे ज़्यादा जनरली यूज़ होते हैं. यूज़ वन और मोर पेन्स टू ड्रॉ लाइन्स ऑन द पेपर. उसके बाद है इंक जेट प्लॉटर्स. अब इंक जेट हमने प्रिंटर में भी किया था,
कौन सा था वो मुझे कमेंट करके बताओ अभी के अभी, वीडियो रिवाइंड मत करना। देन यूज़ इंकजेट टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इमेजेस बाय स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। जैसे प्रिंटर में काम था, इसमें भी सेम ही काम है, लेकिन इसके लिए एरिया ज़्यादा है क्योंकि बड़ी शीट है या फिर बड़ा पेज है, ठीक है, लार्ज फॉर्मेट पर प्रिंट करना है, बाकी सारा काम सेम है। देन इज कटिंग प्लॉटर्स, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग लाइन्स कटिंग प्लॉटर्स यूज अ शार्प ब्लेड टू कट शेप्स एंड डिजाइंस ऑन एडहेसिव बैक्ड मटीरियल कॉमनली यूज इन विनाइल कटिंग फॉर साइंस एंड डेकल्स। तो साइंस बनाने हैं, कोई डायग्राम्स बनानी है, तो कटिंग प्लॉटर्स यूज होते हैं उसमें। देन इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स, यहाँ पे चार्जेस को अट्रैक्ट किया जाता है टोनर पार्टिकल्स ऑन टू द पेपर टू क्रिएट द इमेज। नेक्स्ट इज़ द ब्रेल एम्बॉसर। अब ब्रेल स्क्रिप्ट मैंने आपको पढ़ाई हुई है, किन के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो छूकर पढ़ते हैं बुक्स, टून जो उनकी बुक्स होती है ना, उसमें जो टेक्स्ट होता है ऐसे नहीं कि बिल्कुल प्लेन आपको नज़र आएगा, लेटर्स थोड़े ना उभर कर लिखे होते हैं ताकि बच्चा उसको छू के पढ़ सके। तो ब्रेल एम्बॉसर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल टेक्स्ट इनटू ब्रेल कैरेक्टर्स फॉर विजुअल इम्पेयर्ड यूज़र्स, ठीक है। स्पेशल टाइप का प्रिंटर होता है जहाँ पे थोड़े जो टेक्स्ट होता है वो रेज्ड डॉट्स होते हैं, क्योंकि डॉट्स के यूज़ पर ही हम देख सकते हैं। जैसे आप आइस क्लोज कर लो और कोई इस तरह की किसी अल्फ़ाबेट के शेप में कोई चीज़ रख लो, या फिर बच्चे के टॉयज़ होते हैं ना, ए बी सी होते हैं, तो उसको आप टच करके देखोगे आपको पता लगेगा ये ए है ये बी है ना। उसी तरह से ब्रेल एम्बॉसर एक आउटपुट डिवाइस है जो विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र के लिए प्रिंट निकालता है। प्रिंट भी कैसे निकालता है, ताकि वो रीड उसको अच्छे से कर सके, ठीक है, अपने फिंगर से टच करके अच्छे से रीड कर सके, और डिजिटल टेक्स्ट को ब्रेल कैरेक्टर्स में वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। दीज एम्बॉस्ड डॉट्स कैन बी रेड बाय टच अलाउइंग ब्लाइंड इंडिविजुअल्स टू असेस रिटन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था, लुइस ब्रेल ने, जिसके नाम पर ये ब्रेल स्क्रिप्ट या फिर ब्रेल एम्बॉसर इसका नाम पड़ा इन द 19th century and has since become the primary means of literacy for blind and visual impaired people worldwide. So friends, यहाँ पर हमारे जो output devices हैं main से वो भी complete हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चाहिए तो you can comment me, ठीक है, मैं आपको उसकी image जो है telegram channel पर share कर दूँगी। So friends, ये video helpful रही, इसे like and share ज़रूर कीजिएगा, और देखिए जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स है उसमें तीन चीज़ें मेन आती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत मेन है, क्योंकि उसमें फर्दर तीन पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें फर्दर जो वेरियस टाइप ऑफ मेमोरीज हैं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल हार्डवेयर वाले टॉपिक में से, ठीक है। सो वो डेफिनेटली आपको चेकआउट करनी है, वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे सारी की सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।